नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। कोरोना महामारी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन बनने के बाद तमाम कोरोना फाइटर और जिसके बाद पूरे देश में वैक्सीन पहुंच रही है, इसी बचाव के फलस्वरूप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार कोविड संक्रमण के बचाव के मद्देनजर 16 जनवरी को जिले में टीकाकरण का पहला चरण की शुरुआत पर आज वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के साथ मुख्यालय पहुंची। पेशे बांदा से अरबाज खान की एक खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का निर्णय लिया है। के पर्पज आज वैक्सीन बांदा लाई गई है। क्या व्यवस्थाएं की गई है, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? कल यहां 4 सेशन साइट्स हमारे, 2 और 15 यहां पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये हेल्थ केयर वर्कर को ही पहले लगाई जाएगी और प्रत्येक सेशन साइट पर 100 बेनिफिशरीज को वैक्सीन दी जाएगी। कल ये लास्ट हो रहा है, इसके बाद में फिर प्रॉब्लम 6,500 हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीनेशन किया जाएगा। सर, ये जो कोरोना में अभी नया स्ट्रेन वायरस आया है, क्या इसको भी ये कवर करेगा? बिल्कुल करेगा, ये इतना ही इफेक्टिव है, ये उतना ही रहते बताया गया है। जो नया स्ट्रेन आया है उसको भी कोप कर सकेगा। सर, कोरोना वैक्सीन आई है कल, जो है मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और तर्रा और बहेरी 4 जगह लगेगी। स्वास्थ्य कर्मियों को, 400 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे, उसके बाद फिर 4 जगह 400 लोगों को लगाई जाएगी। और 12 जनवरी को थाना फ्रेंड्स कॉलोनी जनपद इटावा के मेरा फाटक के पास प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की ईंट से उसका सर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल FIR दर्ज की गई और उसके बाद से इस घटना के अनावरण हेतु टीम बनाई गई। आज उस घटना का अनावरण हो गया है। यह घटना जो है, एक सुनील नाम के व्यक्ति ने उसकी हत्या की थी। मृतक और सुनील दोनों ही एक कुल्हड़ बनाने वाली फैक्ट्री है जहां पर काम करते थे और इनके बीच में पैसे का कुछ लेन देन का विवाद था, जिसके कारण इसकी हत्या की गई। दोनों शाम को शराब पीने के बाद इसकी हत्या का जो प्लान था वो सुनील ने जो है वो पहले ही बना रखा था और शराब पीने के बाद से उसने उसकी हत्या कर दी है ईंट से कुचल कर। कितने पैसों का लेन देन था सर, इतनी बड़ी बात कैसे हुई कोई आदमी किसी की हत्या पर उतार हुआ? देखिए, दोनों बहुत ही गरीब थे और सिर्फ 2,000 रुपये का ही लेन देन था, जिसके कारण यह विवाद हुआ और उसकी हत्या हो गई। इस हत्या में कितने लोग शामिल रहे थे? इस हत्या में एक व्यक्ति शामिल था जिसकी अरेस्टिंग हो चुकी है और इस पर विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है।